कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वह विचार रखेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कमल जी टावरी जी ने भी बहुत अच्छे अपने विचार रखे हैं सनातन को लेकर के, और किस तरह से उसको ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंटेशन उनका करना है, वो सब चीजें बहुत अच्छे तरह से उन्होंने रखी है। एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सभी लोग खुश हैं राम राज्य की स्थापना हो गई, वो मैसेज मुझे भी किसी ने भेजा था कि देखिए बीजेपी भी खुश है कि वो सरकार बना रही है, कांग्रेस भी खुश है कि चलो उनकी सीटें बढ़ गई है, अखिलेश भी खुश है कि उसे यूपी के अंदर पांव जमाने की जगह मिल गई, तो हर आदमी खुश। लेकिन हारा कौन है? जीत तो बहुत लोग गए हैं लेकिन हारा कौन? इस पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव के अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, और वो है अयोध्या की सीट। अयोध्या की सीट से बीजेपी के कैंडिडेट का हारना, ये फिर वही बताता है कि हम सनातन को फॉलो करने वाले लोग आज भी राम को अयोध्या में रखना नहीं चाहते हैं। राम जब इस धरती पर थे तब भी हमने उन्हें अयोध्या में रहने नहीं दिया, पहले वनवास में भेज दिया। वनवास से वो आए, एक धोबी पैदा हो गया, धोबी खड़ा हो गया, उसने विवश कर दिया माता सीता का त्याग करने के लिए। परिस्थिति ऐसी बनी कि भगवान राम को अयोध्या को त्यागना पड़ा, और आज भी यही है कि 500 साल के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर बना, पुनः राम अयोध्या में आए, तो हमने वही काम किया धोबी वाला कि राम को आज फिर हमने अयोध्या से बाहर। ये छोटी छोटी चीजें हमें ये समझाने के लिए पर्याप्त होती है, हमें आईना दिखाती है कि हम जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं हम कितनी बार गिरेंगे, कितनी बार गिरेंगे। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है कि अयोध्या जैसी जगह से जहां से 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ हो वहां से हम हार रहे हैं, ये हमारी कितनी बड़ी हार है। आज फिर हमने राम को वनवास दिया, इसीलिए ये उदाहरण है हमारे आंतरिक जगत के बिगड़े हुए पर्यावरण का उदाहरण है। हम किस ऋषि परंपरा की फॉलो करने की बात करते हैं? ददीची ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, और एक हम हैं, हम घर से निकलकर वोट भी नहीं दे पाए, उस जगह पर वोट नहीं दे पाए जो पूरे विश्व के लिए एक सेंटर पॉइंट था कि राम मंदिर बना है, अब लोगों का क्या रुझान होता है। इसका मतलब राम मंदिर हमारा संघर्ष था ही नहीं, राम मंदिर एक पॉलिटिकल एजेंडा था, पूरा हो गया, उन्हें उनका एडवांटेज मिल गया। हमें ना राम से पहले मतलब था, ना आज राम से मतलब है, और ना आगे राम से मतलब होगा। माफ कीजिएगा मेरी भाषा थोड़ी सी आज सख्त हो सकती है, लेकिन सनातन के स्थापना के अंदर ये जो विचार है लोगों के, ये दीमक का काम करते। सनातन की विचारधारा के अंदर सबसे पहला जो काम है वो है परमार्थ, जहां स्वयं, जहां निजी जीवन, जहां हमारा निहित स्वार्थ, हमारी अपनी आइडेंटिटी, ये सब कुछ अलग हो जाता है और हम केवल एक ही पहचान से पहचाने जाते हैं। अगर हम सनातन की बात करते हैं, सनातन की स्थापना की बात करते हैं, तो याद रखिए दुनिया में केवल तीन ही चीजें एस्टेब्लिश होंगी, हमारा धर्म सनातन है, हमारी जाति मनुष्य है, और हमारी पहचान आत्मा है। इस तीन के अलावा अगर कोई भी आइडेंटिटी है हमारी तो हम सनातनी नहीं हो सकते।
हम सनातनी नहीं हो सकते। फिर हम कभी बीजेपी के जीतने पर खुशी मनाएंगे तो कांग्रेस के जीतने पर दुख मनाएंगे, कभी हम इस पर ये खुशी मनाएंगे, कभी हम उस पर वो दुख मनाएंगे। लेकिन सनातन इस विश्व के लिए है, सनातन कांग्रेस बीजेपी मेरे लिए आपके लिए नहीं है। जहां जहां पर सनातन को छोड़कर हम किसी और दूसरी विचारधारा या किसी और दूसरी क्रियान्विति को फॉलो कर रहे हैं, वहां वहां हमें असफलता मिलनी ही मिलनी है, चाहे 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, चाहे 15 साल बाद मिले, चाहे 20 साल बाद मिलनी तय है। हम नकली बीज जमीन में गाड़कर पौधा नहीं निकाल सकते, ये बात निश्चित है, और ओरिजिनल बीज को प्लास्टिक की थैली में रख करके भी पौधा नहीं निकाल सकते, सोने की तिजोरी में रख करके भी पौधा नहीं निकाल सकते। हमें मिट्टी भी चाहिएगी और ओरिजिनल बीज भी चाहिएगा, तब जाकर ये बीज अंकुरित होगा। तो सनातन की विचारधारा और हमारी मेहनत की भूमि, निस्वार्थ भाव की मेहनत की भूमि, जब तक ये दोनों नहीं मिलेगी, सनातन का वृक्ष पैदा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कल चुनाव परिणाम जब आने शुरू हुए थे, तब से लेकर रात तक, चाहे दिल्ली से हो, चाहे हमारे राज्य सरकार से हो, बहुत लोगों से कल संपर्क हुआ है, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस दी गई थी वो वैसी की वैसी घटित हुई है, जो हर मायने में बड़ा आश्चर्यचकित कर रही थी लोगों को, कि आपने जो कहा वो बिल्कुल अलग था और बाकी लोगों ने कहा वो बिल्कुल अलग था, और केवल आप ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बात अक्षर अक्षर सत्य हुई है। क्योंकि वो प्रिडिक्शंस ये सोच के नहीं की गई थी कि मैं अगर ये प्रिडिक्शन करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया मुझे, आप ये क्या कह रहे हैं, देख लेना ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने शालीनता के साथ कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सुनता रहा। कल जब वो घटना घटित हुई है तो लोगों ने आगे होकर के कहा कि आपने जो कहा था वो सत्य। इसीलिए दिसंबर 2025 तक का जो समय है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर हमें मानवता की रक्षा करनी है, मानवता की रक्षा करनी। इस समय पर सबसे बड़ा खतरा अगर किसी के ऊपर मंडरा रहा है तो मानवता के ऊपर मंडरा रहा है, मानवता के ऊपर। अभी तो वो समय आना बाकी है जब हम धर्म के नाम पर सरेआम सड़कों पर आकर लड़ेंगे। अभी वो समय आना बाकी है जब लोग भूखे नंगे सड़कों पर रहेंगे, काश कोई हम पर रहम कर दे, ऐसा समय भी आने वाला है। ये जो दौड़ शुरू हुई है ना, ताकत को संगठित करने की, ताकत को एक जगह लाने की, सारे संसाधनों को एक जगह करने की, अर्थ को एक जगह इकट्ठा करने की, विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री बनने की, धर्म, अपने ही धर्म के विस्तार को पूरी दुनिया में फैलाने की, गजबाए हिंद की, मिशनरीज की, जो ये क्या कहूं मैं उनको, उनका जो ये प्रोग्राम चलता है धर्मांतरण, अभी तो ये उस मोड़ पर है जहां एक विस्फोटक रूप ये लेने वाला है। और इन सबकी रक्षा, इन सबकी रक्षा केवल और केवल सनातन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इस समय पर केवल और केवल हमें लोगों के विचारों में सनातन डालना है, विचारों में सनातन डाल, वो जहां है, जैसा है, जो कर रहा है उसको करने दिया जाए, क्योंकि वहां से छेड़छाड़ करना अभी बहुत आत्मघाती कदम हो जाएगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी बनने वाली है। ऐसे में उनको जहां है, जो है, जैसे कर रहा है वैसे करने दिया जाए, लेकिन वहां पर हमें सनातन के विचारों का बीज जरूर रोपित कर देना। विद्यार्थी वर्ग के साथ कैसे, ज्योतिष के आधार पर दुनिया के साथ कैसे, आर्थिक तौर पर दुनिया के साथ कैसे, सामाजिक तौर पर दुनिया के साथ कैसे, राजनीतिक तौर पर दुनिया के साथ कैसे,
यहाँ हर व्यक्ति के लिए एक अलग रोड मैप बनेगा, अलग रोड मैप बनेगा। एक व्यक्ति का रोड मैप दूसरे के साथ काम करेगा ही नहीं। जैसे कहते हैं कि संसाधन, संसाधन एक शब्द है, लेकिन बात आती है हम जल के संसाधन की बात कर रहे हैं, हम थल के संसाधन की बात कर रहे हैं, हम वायु के संसाधन की बात कर रहे हैं। जल का संसाधन जल में चलेगा, वो सड़क पर नहीं चल सकता, और सड़क का संसाधन सड़क पर चलेगा, वो पानी में नहीं चल सकता, एयर स्पेस पे चलने वाला एयर स्पेस पे चलेगा। तो तीनों है संसाधन, लेकिन तीनों के प्रारूप अलग है, तीनों की टेक्नोलॉजी अलग है, तीनों के पीछे अलग तरह का दृष्टिकोण है, अलग तरह की साइंस। ऐसे ही सनातन, सबसे पहले सनातन हमारे विचारों के अंदर आना चाहिए। जब हमारे विचारों में सनातन आएगा तो केवल एक रोशनी मात्र, कहते हैं एक दीपक की रोशनी मात्र भी यदि उसे मिल गई तो पूरे जंगल में आग लगाने की ताकत रखता है। अगर किसी जंगल में आग लगती है तो क्या कोई बड़ी बड़ी मशाले लाके लगाई जाती है? एक चिंगारी ही होती है जो भड़कती है और बढ़ते बढ़ते पूरे जंगल के अंदर फैल जाती है। ऐसे ही सनातन की चिंगारी जो है हमारे अंतर में उठेगी, और कब दुनिया के अंदर लोगों के दिलों में फैल जाएगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बात आती है कि इस मिलावटी दुनिया के अंदर, इस लालची दुनिया के अंदर हम किसको ढूंढें कि कौन ईमानदारी से चलने वाला? क्या कोई है? वास्तविकता ये कि आज कोई दान भी करता है तो पहले उसको उसका रिवॉर्ड चाहिए। कहीं फोटो तो छपेगी ना, पेपर में तो छपेगा ना, ऐसा तो होगा ना, मेरा नाम तो आएगा ना वहां शिलालेख पे, नाम तो आएगा ना, और भी नहीं तो चलो मुझे तो 2% 1% अपनी कंपनी का देना ही होता है, इनको दे देता हूं भाई साहब, 20% काट के 80% दे देना वापस। ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर इन विचारों के अंदर सनातन जब तक व्याप्त नहीं होगा, हम लाख प्रयास कर ले, लाख प्रयास कर, क्या हमसे पहले लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं? उनकी सक्सेस का रेशो, हमारे पास विचार बहुत नए नए हैं, आइडियाज बहुत नए नए हैं। मैं एक छोटी सी बात यहां रखता हूं, मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 30 लाख करोड़ रुपए का बजट है, किसी सरकार की जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल से ग्रामीण क्षेत्र में कैसे काम करना है उसका रोड मैप उनके पास है, लेकिन कोई सरकार हाथ रखने को तैयार नहीं। क्यों? कि इतना बड़ा काम हो गया तो वो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, वो व्यक्ति बड़ा हो गया तो हमारी पार्टी का क्या होगा, हमारे नेताओं का क्या होगा, सरकार उसके साथ जुड़े तो कैसे जुड़े? यानी कि आप समझिए कि संसाधनों की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज की जरूरत है, मैंने कहा ना बीज है, अगर प्लास्टिक की थैली में रखा है या सोने की तिजोरी में रखा है अंकुरित नहीं होगा, पर नकली बीज है और उपजाऊ जमीन है तो भी रोपित नहीं होगा। इसलिए जमीन का भी उपजाऊ और बीज का भी ओरिजिनल होना जरूरी है। तो बीज ओरिजिनल, वो सनातन है, और हमारे भीतर सनातन की भावना, वो धरातल है जहां वो बीज रोपित होगा। इसीलिए इस समय पर जो ये समय चल रहा है, ये प्रकृति के बहुत बड़े बदलाव का चल रहा है, बहुत बड़े बदलाव का चल रहा है। इस समय को मैं विजुलाइज कर सकता हूं क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन इस चीज को हर कोई विजुलाइज कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस समय पर दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर जो भी है, जिसको भी आप माने, उसके पास भी एस्ट्रोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन है वो 0.001% है, और इससे भी ज्यादा पूरी एस्ट्रोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसका ज्ञान है, उसका रहस्य है, वो सनातन में। सनातन इस पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान है। अब आप बताइए, इतनी बड़ी चीज है,
बात आती है कि इस चीज को हमें धरातल पर उतारना है, केवल धरातल पर उतारना है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं, मोबाइल आए, गवर्नमेंट ने कितने कैंप लगाए लोगों को मोबाइल चलाना सिखाने के लिए, लगे होंगे 2, 10, 20, 25 हजार लोगों को कहा होगा भाई हम सब्सिडी देते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं, तुम लोग आओ इस कैंप में आकर के मोबाइल चलाना सीखो। कोई क्लासेस लगी थी? कब मोबाइल आया, कब मोबाइल जीवन में शामिल हुआ? बच्चे बच्चे ने चलाना सीख लिया, घर घर में मोबाइल आ गया, बुजुर्ग से बुजुर्ग बैठ करके मोबाइल को चलाना सीख गए, बात करते हैं उसमें, यूट्यूब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, मैसेज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। कौन सा कैंपेनिंग चला था इस सब चीजों को सिखाने के लिए? लेकिन ये हुआ क्यों? हुआ क्योंकि उस मोबाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, जो टेक्नोलॉजी थी, जो फायदा था, हर व्यक्ति को उसके अंदर अपना फायदा दिखा, और जब फायदा दिखा तो उन्होंने उसे तुरंत हाथों हाथ लिया। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि जी आप यहां जाओ यहां लो, हर व्यक्ति अपने आप। भाई साहब कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है इस समय पर? ये एंड्रॉयड आ गया, ये एप्पल का आईफोन आ गया, ये ब्लैकबेरी का है, इसकी टेक्नोलॉजी ये है, इसकी टेक्नोलॉजी वो है, अब इसके अंदर नया फीचर ही आ गया, ये देखिए कीपैड आ गया, ये कलर आ गया, अब ये ऐसा आ गया, अब ये ऐसा आ गया, अब एंड्रॉयड हो गया। हर चीज होती चली गई। आज बच्चा बच्चा मोबाइल रख रहा है, किसने सिखाया, किसने समझाया? सनातन के अंदर हमारा कितना बड़ा फायदा है, सिर्फ इतना सा हमें दुनिया को समझाना है, फिर ये दुनिया सनातन को कैसे हाथों हाथ लेगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे विचारों के अंदर निहित सनातन कैसे काम करेगा, और इसका रोडमैप आज मैं आपके सामने रखता हूं। स्कूलों के अंदर जाकर के हमें बच्चों को समझाना है, टीचर्स को समझाना है। एक आपने स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाया, समझाया, अब वो मल्टीपल होता चला जाएगा, उसके एडवांटेज मिलेंगे तो क्यों नहीं मल्टीपल होगा, अपने आप होगा। पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना है, वहां एक रोड मैप बना, वो काम अब अगले अपने अलग तरीके से काम करेगा। हम बीज को जमीन में डाल देते हैं, उसके बाद हम केवल पानी देने का काम करते हैं, बाकी सारा काम वो जमीन करती है, जमीन करती है बाकी सारा काम। और एक समय आने के बाद जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो हमको तो पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वृक्ष अपने आप अपना सारा चीज कर लेता है। इसी तरह से सनातन का ये बीज जब धरती पर डाला जाएगा तो हमें केवल पानी देना है। पानी मतलब केवल हमें अपने सकारात्मक विचार उसके साथ जोड़ने हैं, बाकी काम कुदरत अपने आप कर देगी। इसीलिए एक मोमेंट हमें चलाना है, एक मोमेंट हमें चलाना है, सनातन कहां कैसे, बस हर जगह पर, हर जगह पर। अगर आपको लगेगा अरे नासा के वैज्ञानिक हैं, इनको हम सनातन की क्या बात बताएंगे, ये हमारी बात मानेंगे क्या? ओपनली चैलेंज के साथ ही बात बोल रहा हूं, बिठाइए 8, 10, 15, 20 वैज्ञानिकों को, नासा के वैज्ञानिकों को, मैं बताता हूं कि आपके इस विज्ञान के अंदर सनातन कहां है। और किससे कहानी के माध्यम से नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, साइंस के आधार पर बताऊंगा, और अगर गलत साबित हो तो कह देना। और उस सनातन को समझने के बाद उनकी इन्वेंशन, उनकी खोज किस लेवल पर पहुंच जाएगी इसका तो उनको भी अंदाजा नहीं। अभी तक हमने बहुत भौतिक जगत की तरक्की की है, तो हम नंगे घूमते थे, हमने कपड़े बना लिए, हमने मकान बना लिए, हम टेक्नोलॉजी ले आए, हमारी तरक्की यहां तक हो गई, हम चांद पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, कंप्यूटर मोबाइल हर चीज आ गई, मेडिसिन के क्षेत्र में हमने हर जगह तरक्की की। लेकिन ये बाहरी जगत की तरक्की है, ये
ऐसे समझिए जैसे जीरो से आपने कोई चीज शुरू की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब आप लिखते चले जाइए अनंत तक, आइए अनंत तक। लेकिन क्या जीरो से पहले कुछ नहीं है? क्या क्या जीरो से पहले कुछ नहीं है? क्या जीरो से पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 नहीं है क्या? और ये कहां तक जाके खत्म होता है? ये भी अनंत है। तो पदार्थ और ऊर्जा के रूप में जब इस संसार की उत्पत्ति होती है, तो पदार्थ के रूप में तो हमने हर चीज को समझा, यहां 1 से लेकर के Z तक है। लेकिन जीरो से जो माइनस चल रहा है, ये है हमारा आंतरिक जगत। इस यूनिवर्स की ताकत, इस यूनिवर्स का वो कंट्रोल जो अगर इंसान के हाथ में आ जाए, तो ये यूनिवर्स उसके लिए काम करेगा, उसके तरीके से काम करेगा। इसीलिए ये वो ताकत है जो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकती। अगर गलत हाथों में जाएगी तो दुरुपयोग करेगा, जैसे विश्वामित्र जी ने किया था। लेकिन अगर धर्मयुग स्थापित होना है, सनातन को स्थापित होना है, तो सबसे पहले रिफॉर्मेशन चलेगी। गलत लोगों को इस दुनिया से जाना पड़ेगा, ये बात तय है। क्योंकि अगर इतना बड़ा धर्म इस धरती पर स्थापित होना है, तो उसके लिए जो योग्य पात्र हैं वही इस धरती पर रहेंगे, और कोई दूसरा रह नहीं सकता। इसीलिए जो भविष्य मालिका कहती है, जो एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, भविष्य पुराण कहता है, हर चीज एक ही ओर इशारा करती है कि धर्म युग की स्थापना है, सनातन को स्थापित होना है, तो हमारे आचार विचार व्यवहार धर्म हर चीज के अंदर परिवर्तन होगा। इतना बड़ा काम है, हमें वहां काम करना है, वहां काम करना है। इस धरती पर इतना बड़ा खजाना मौजूद है, इस पूरी धरती की गरीबी को मिटाया जा सकता है, लेकिन वो खजाना एक्टिवेट कब होगा? जब हम उस पात्रता को स्वीकार करेंगे, उस पात्रता को अपने अंदर लेकर आएंगे, कुदरत हमारे लिए वो खजाने खोल दे कि धन की व्यवस्था की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ही नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, अग्रसेन जी का उदाहरण देता हूं। अग्रसेन जी को उनके पिताजी ने जो युद्ध लड़ा था भगवान कृष्ण के समय पर महाभारत के अंदर, और 10वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात उनके चाचा या उनके रिश्तेदारों ने उनको, अग्रसेन जी को, वहां से निकाल दिया था, बल्कि उनकी जान के पीछे पड़ गए थे। तो वहां से वो निकले और अपनी जान को बचाते हुए कहीं किसी जगह पर गए। वहां उन्हें एक संदेश मिलता है कि आप लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लक्ष्मी की पूजा कीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो वहां वो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और लक्ष्मी प्रकट होती है, और लक्ष्मी कहती है कि तुम्हें एक नए राज्य की स्थापना करनी है, और उसके लिए जो धन की व्यवस्था है वो इस जगह पर जाओ, वहां तुम्हें वो धन मिलेगा जो किसी कालखंड में तुम्हारे ही पूर्वजों ने वहां रखा था, वो तुम्हारा ही धन है, वो तुम्हें मिलेगा, और उससे तुम अपने राज्य की स्थापना करो। और वहां से उस धन को निकाल करके अग्रोहा में जाकर के वो उस राज्य की स्थापना करते हैं। बताइए पैसा कहां से आया? भगवान राम को लंका के अंदर, यानी लंका के अंदर जो रावण है उसका विध्वंस करना था, तो वही जंगल के अंदर ही हनुमान मिलते हैं, सुग्रीव मिलते हैं, जामवंत मिलते हैं। हर व्यवस्था कुदरत ने कर दी। कर्ण के पास कवच कुंडल था, युद्ध जीत सकता था वो, भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे। कुदरत ने क्या किया? हर उस चीज की काट निकाल दी जो उस समय पर धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक थी। हिरण्यकश्यप ने भी तो यही सोचा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, क्या हुआ? भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। अब अगर इसे कहानी किससे समझ रहे हैं तो बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये सत्य है तो क्या वर्तमान के अंदर भी कुदरत आपके साथ उसी तरह से खड़ी हुई नहीं है? क्या नहीं होगी? हमें केवल और केवल
सनातन की इस खुशबू को दुनिया के अंदर फैलाना है, एक ही मोमेंट है। सनातन विश्व, कोई दूसरी चीज नहीं, केवल और केवल सनातन विश्व, सनातन राज्य, सनातन ग्राम, सनातन शहर, सनातन देश नहीं, सनातन विश्व। इस मूवमेंट को कैसे हम लेंगे? इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, और इतने परमार्थ का काम है कि आने वाले 5-10 हजार सालों तक शास्त्र ग्रंथों के पन्नों के अंदर नाम लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में, उस कालखंड के अंदर ये व्यक्ति थे जिन्होंने सनातन के लिए कार्य किया, और आज धरती पर सनातन है तो उनके द्वारा है। जो ऋषि मुनियों को हमारे इतिहास में जगह मिली, उनके उस समय के काम के कारण से मिली थी। तो आज जो हम काम करेंगे, उसी का श्रेय तो हमें आने वाले समय में मिलेगा। इतिहास के पन्नों में अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 2000 साल का जब हम इतिहास देखते हैं ईसा के बाद का, तो कितनी सभ्यताएं, कितने व्यक्ति, कितने लोगों को हम जानते हैं। कबीर के समय पर राज्य की सीमाएं क्या थी, कौन राजा था, किस तरह की प्रजा थी, उस समय का वहां का मंत्री कौन था, हम जानते हैं क्या? हम केवल कबीर को जानते हैं, क्योंकि उसका वो काम था जो इस धरती पर किसी ने नहीं किया। तो इस समय पर दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, वो हो रहा है सनातन के लिए, सनातन के लिए, सनातन के द्वारा। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है ना, तो यहां टू तो अपनी जगह रहेगा और बस पीपल की जगह सनातन रख दीजिए। इसीलिए बहुत बड़ा मूवमेंट है ये, बहुत बड़ा मूवमेंट है। दुनिया के अंदर जितनी भी रिवोल्यूशन हुई है, जितना भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ा परिवर्तन है जो अब होने जा रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी गंभीरता को समझाने के लिए, लेकिन उस चीज को मैं देख रहा हूं, खुले आंखों से देख रहा हूं। मैं 2025 का भविष्य, 2026 का भविष्य, 2027 का भविष्य, 2029 का भविष्य मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, भारत का भी और विश्व का भी। लेकिन मैं यकीन कैसे दिलाऊं किसी को? लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा दुनिया को। जब 2018 में कहा था, किसी ने यकीन नहीं किया। 2020 आया तो सबको यकीन हुआ। 2020 के लिए कहा था, लोगों को यकीन नहीं हुआ। 2022 आया तो यकीन हुआ। 1.25 साल पहले वर्तमान परिस्थिति के लिए कहा था, किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान के अंदर अगर हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब पुरानी बातों पर यकीन हुआ। ऐसे ही जो 2025 के एंड तक के लिए मैं कह रहा हूं, आज यकीन किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन 2025 के एंड में सबको यकीन होगा। लेकिन समझदार तो वो होता है जो समय को पहले पहचान लेता है। समय निकल जाने के बाद तो फिर सारा काम हो ही जाता है। रेस में वही जीतता है जो सबसे आगे होता है। तो सनातन की इस रेस के अंदर एक ही आह्वान है, इस सनातन को पूरे विश्व में स्थापित करना है। और इसके लिए जो जहां जिस क्षेत्र में, जैसे चमोली जी पत्रकारिता में, पत्रकारिता के वो सनातन के सिद्धांत यदि चमोली जी बोलेंगे, तो अच्छे अच्छे पत्रकार इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि आप जो कह रहे हो, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो एक सूत्र है ये, अभी सूत्र से पूरी पत्रकारिता को सनातन के साथ जोड़ा जा सकता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व को सनातन के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, वो मेरे पास सिद्धांत है। धर्म गुरुओं के आधार पर, धर्म जो गुरु हैं, वो कहां सनातन से कटे हुए हैं और कहां सनातन से जुड़ सकते हैं, ये छोटा सा एक उनको समझाया जाएगा, वो वहां पर। लेकिन जुड़ेगा कौन? इसके मन में लालच नहीं, वरना वो कहेगा, भाई मैं तो इतना बड़ा धर्म गुरु हूं, मेरे तो इतने लाखों शिष्य हैं, इतना मेरे पास चढ़ावा आता है, मेरी दुकानदारी चल रही है अच्छी खासी, मैं ये फालतू का पंगा क्यों लूं? लेकिन अगर उनको कहूं कि ये सब कुछ जाने वाला है, मार्केट में नया माल आया, यही चलेगा, फिर
उदाहरण देता हूं, एक एमरल्ड जिसे हम पन्ना कहते हैं, जब गल्फ खाड़ी युद्ध हुआ था सद्दाम हुसैन के समय की बात बता रहा हूं, इंडिया के अंदर खासतौर पर जयपुर के अंदर जो भी एमरल्ड का काम करते थे वो जौहरी अपने आप में बहुत बड़ी दिग्गज कहलाया करते थे, बहुत बड़े दिग्गज कहलाया करते थे। एक अदबी उनका अलग ही अदब, इज्जत और सम्मान और पैसा बहुत कुछ अलग था। लेकिन खाड़ी युद्ध के समय पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को वो लोग नहीं समझ पाए, तो कई और तरह के रत्न निकले, जैसे तंजेनाइट था, और भी तरह के रत्न निकले। तो कुछ लोगों ने कहा ये नया रत्न निकला, चलो इस पे काम करते हैं। तो वो जो थे पुराने दिग्गज, वो कहते थे अरे हम तो नवरत्नों का काम करते हैं, हम ये काम करेंगे सेमी प्रोसेस का मतलब ही नहीं है, हम तो एमरल्ड किंग है भाई। हुआ ये कि मार्केट में तंजेनाइट चला, जो तंजेनाइट उन्होंने दो दो रुपए में खरीदा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 रुपए की चीज थी, वो 200 2 2 हजार में बिकी, वो मालामाल हो गए। और यहां जो दिग्गज समझ रहे थे अपने आप को, हम तो एमरल्ड के किंग है, आज भिखारियों की हालत है उनकी, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कहां वो पन्ने का काम चला गया, कहां वो जौहरी चले गए, आज भी लेके बैठे हैं अपने स्टॉक को कि हमारी तो कीमत इसकी 100 रुपए की है, आज को 2 रुपए देने को तैयार नहीं है, बैठे रहो लेकर के, अगरबत्ती लगाओ रोज। तो परिवर्तन जब होता है और जब हम बहुत बड़ी पोजीशन पर होते हैं और वहां जब ये आता है अरे हम तो इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, ये परिवर्तन क्या आता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है, हमें कौन हिलाने वाला, हम तो एस्टैब्लिश लोग हैं भाई साहब। मोबाइल आया तो पेजर कहाँ गायब हुआ पता नहीं लगा, एसटीडी पीसीओ कब गायब हो गए पता नहीं लगा, कोई सरकार ने बंद किए थे क्या उनको? इसीलिए नए समय की मांग है सनातन, नए विश्व की मांग है सनातन, मानवता की मांग है सनातन। और इस इतने बड़े डिमांड को इग्नोर करके हम अगर कुछ और की मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी और दिशा में जाकर के काम कर रहे हैं, तो वो काम चलने वाला नहीं है। मार्केट में तो यही चलेगा, यही प्रोडक्ट चलेगा, और ओरिजिनल ही चलेगा, क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती है, इसकी डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती है। आग की नकली आग क्या होती है मुझे बताइए, आग है, ओरिजिनल आग है, वैसे मैं नकली आग बेचूंगा कहां से बेचोगे भाई, क्या नकली आग होती है क्या? आग तो आग है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका नकली होता ही नहीं है, सनातन का भी नकली नहीं है। इसीलिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने युग परिवर्तन में हम सबको दी है कि हम अपना अपना योगदान इसके अंदर दें, अपने अपने क्षेत्र के अंदर, उस क्या कहते हैं उसे जो आप समझिए कि एग्जैक्टली अगर शब्द में देखूं तो उस स्तंभ को या कह लीजिए उस पराकाष्ठा को हम स्थापित करें जो आज की डिमांड है। इसीलिए मैं आज इस पर्यावरण दिवस पर हमारे मन के पर्यावरण को कैसे शुद्ध कर सकते थे, मैंने आज वही बात रखी है। पर्यावरण दिवस है, हम ऑनलाइन पेड़ तो हम एक्सचेंज कर नहीं सकते, लेकिन हमारे अंतर मन का पर्यावरण, वहां तो कुछ बीज मैं आज बो सकता हूँ, कुछ पौधे लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने आज वही बात कही है जो आज इस पर्यावरण दिवस पर हम सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे भीतर की भूमि भी बंजर हो गई है। उस बंजर भूमि पर एक पौधा लगा करके उस पर सनातन की वर्षा, फिर देखिए सनातन का वृक्ष हमारे हृदय में जो बढ़ेगा, उसका जो आनंद आएगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चमोली जी, आज मेरा विचार यही था, और इस विचार के आधार पर क्या रोड मैप हो सकता है, हमें विश्व के अलग अलग संगठनों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर के, अलग अलग संगठनों से मिलकर के हम वहां कुछ आइडियोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दे सकते हैं, इसे हम कंसल्टेंसी के रूप में ले सकते हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जो आज तक इसका सोल्यूशन नहीं है, सनातन में क्या इसका सोल्यूशन है क्या, वहां हम उस सोल्यूशन को दे सकते हैं, वहां रिजल्ट आएंगे अपने आप मल्टीपल हो जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं।
इस रूप में हम इसको ले सकते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातें दुनिया तक पहुंच सकती, इसकी रूपरेखा हम ले सकते हैं। जैसे जो हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, इसी को हम यूट्यूब चैनल पर लाइव कर सकते हैं। तो जहां हम 32 लोग देख रहे हैं, वहां हजारों लोग देखेंगे। जैसे कल का मेरा एक लाइव सेशन था 6:15 बजे का, जब चुनाव परिणाम आए दोपहर तो में 2 बजे करीब, फिर दिल्ली से फोन आया था, बातचीत हुई थी कि आपके जो व्यूज है बिल्कुल 100% सही थे, तो अब इस पर जो आप अपने व्यूज दें तो शाम तक पूरा रिजल्ट देख के आप दे देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने कहा मेरा वैसे भी विचार शाम को देने का, शाम को 6:15 बजे में लाइव हुआ था, 12-13 हजार लोगों ने देखा था उस प्रोग्राम। और जो शब्द मैंने उसमें कहा था कि इस तरह के सिनेरियो को फॉलो करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जब वो वहां से निकले हैं और अपने भाषण को शुरू किया है, तो वहां उन्होंने वही शब्द बोले, जय जगन्नाथ। क्योंकि मैंने कहा था कि ये आपको जो मेजोरिटी मिली है, जो आपको सत्ता की चाबी मिली है, इसका संबंध सीधे सीधे आपका उड़ीसा से जुड़ रहा है, जगन्नाथ से जुड़ रहा है। और जगन्नाथ वो जो इस युग परिवर्तन के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले, भविष्य मालिका ग्रंथ, कल्कि अवतार, हर चीज जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। और वहां की सत्ता अगर आपको मिल रही है तो कोई छोटा अवसर नहीं है। इसीलिए पहला प्रणाम उनके उनको होना चाहिए, उनकी धरती पर होना चाहिए। फिर देखिए चुनौती हमारे लिए कैसे खिलौनों की तरह हो जाएगी। और उन्होंने तुरंत उस बात को सुना, समझा और अपने ही भाषण के अंदर अगले पल वहां से रवाना होने के बाद सीधा गए, भारत माता की जय 3 बार बोला, उसके बाद जय जगन्नाथ। तो एक विचार था, पहुंच गया, काम हो गया, बाकी का काम ईश्वर करेगा। अब इसके बदले मुझे कोई रिवॉर्ड थोड़ी ना चाहिए, मेरे को कोई फोटो थोड़ी ना खिंचानी है कि हाँ जी आपने कहा सब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम सत्य को स्थापित करना है, मैंने सत्य को स्थापित कर दिया, जो विचार जहां डालना है मैंने डाल दिया, बाकी काम विचार करेगा, परमात्मा करेंगे। मुझे इससे कोई ना रिवॉर्ड चाहिए, ना पारितोष चाहिए, ना किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ चाहिए। लेके करूंगा क्या आर्थिक लाभ को, भगवान ने इतना दिया है कि 2 वक्त की रोटी बड़े आराम से पूरे परिवार को बड़े आराम से चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो मेरी मेहनत मैं करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, उसमें जो एक मैंने एक पारितोष रख रखा है वो मैं लेता हूँ, वो मेरा पुरुषार्थ है, वो ऋषि परंपरा है, उसका निर्वहन मैं करता हूँ। लेकिन उसके बदले, उसके अलावा ना मुझे धन की कोई लालसा है, ना लालच है। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन मैंने कभी भी उन चीजों को स्वीकार किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका मैं करूंगा क्या, मेरी आवश्यकता तो बहुत सीमित है। मेरा तो महीने का खर्चा 10 रुपए का नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल हो और महीने के अंदर मेरे को 10 रुपए भी नहीं चाहिए अपने लिए कि भाई पूरे महीने में 10 रुपए भी मेरे पे खर्च होता हो। गाड़ी में पेट्रोल है बस उतना है तो मेरा काम चल जाता है, मोबाइल का बिल हो गया, गाड़ी का पेट्रोल हो गया, इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं कि पर्सनल खर्चा मेरा हो, तो मुझे चाहिए किसके लिए। इसलिए धन मेरे लिए ना कभी पर्याय था, ना पर्याय है, ना कभी पर्याय होगा। लेकिन सनातन के लिए मैं समर्पित था, समर्पित हूं, समर्पित रहूंगा। सनातन के लिए अगर मुझे 10 किलोमीटर पैदल तपती धूप में जाना पड़े, मैं जाने को तैयार। लेकिन सनातन के विरुद्ध यदि आप मुझे एसी में बिठा करके और कुछ मेरे से समझना चाहते हैं, सर सीखना चाहते हैं कुछ, मेरे को स्वीकार नहीं। जहां सनातन है वहां मैं हूं, जहां सनातन नहीं है वहां मैं नहीं हूं। केवल और केवल सनातन, क्योंकि यही तो काम मुझे दिया है ऊपर वाले ने, और ऊपर वाले के साथ गद्दारी करके मैं जाऊंगा कहाँ, धरती के किस भूभाग में जाऊंगा मैं, मुझे इस पूरे ब्रह्मांड में जगह कहाँ मिलेगी, तो इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकता हूं। तो जो काम मुझे सौंपा गया है, जो काम ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे पूरी निष्ठा के साथ केवल वही करना है, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, चिड़िया की आंख की तरह केवल मुझे आंख दिखती है, सनातन दिखता है, उसके अलावा ना चिड़िया दिखती है, ना पंख दिखते हैं, ना पेड़ दिखते हैं, ना कुछ दिखता है, केवल और केवल चिड़िया की आंख। और चिड़िया की आंख मतलब सनातन। चमोली जी, मैं अगर जी जी आज मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो
जो कहीं नहीं नहीं किसी जी नहीं के हृदय को ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं, नहीं लेकिन आपने, नहीं जी पर्यावरण आपने सच्चाई को, दिवस सच्चाई को सामने रखा है जी, सच्चाई को है, सामने रखा पर्यावरण है। दिवस है तो हमारे अंतर का पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, वहां सनातन की हरियाली आनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात कही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी आपका। आपने अंतर के पर्यावरण को ठीक करने के साथ साथ अन्य बातों को बहुत ही अपने सूक्ष्म शब्दों से हमारे सामने रखा। तो आज कार्यक्रम में हमारे बीच में कई अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों का कमल जी, एक मिनट। जी मैंने जी जी अभी बोलिए। कुछ लोगों को स्पेन से अनुरोध किया था, हमारे एक भाई साहब है वहां पे महाराष्ट्र के, तो पता ठीक नहीं है उन्होंने जी, ज्वाइन किया नहीं किया। कुछ लोगों को मैंने कहा कि जैसा गुप्ता जी ने बोला अभी इसको इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा और सबको जगाना पड़ेगा, बात तो सही है, बहुत जी अच्छा। तो इसके लिए मैंने अभी कुछ लोगों को फोन किया कि भाई बहुत बढ़िया सनातन पर चर्चा चल रही है गुप्ता जी के साथ में, तो इसमें जरा ज्वाइन करो। तो पता नहीं उन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया, मैंने 4-5 लोगों को अभी फोन किया था। बहरहाल अगर ज्वाइन किया हो तो कृपा करके वो बोल दे, और अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ठीक है। अभी अभी इसके पहले कि अपन मीटिंग को खत्म करें, मैं चाहूंगा जितने भी आज लोग जो है 30, 32, 32, 35 लोग, वो कृपा करके अपनी पहचान दे दे, अपना नाम और कहाँ पर है इतना जरा बोल दे। दूसरा ये भी बतला दे क्या उनको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में रुचि रहेगी। मैंने तो बोल दिया है कि हम ये पूरा 12 महीना चलाएंगे प्रोग्राम, जैसा गुप्ता जी ने बोला 25 दिसंबर, तो वो आ जाता है करीब 1-1.5 साल, जो प्रॉब्लम कोई बात नहीं। तो हम चाहते हैं 1.5 साल तक ये प्रतिदिन ये 1 बजे से 2 बजे सनातन इन एक्शन, गीता इन एक्शन, ज्ञान इन एक्शन, चिंता इन एक्शन, तो उस पर हम चलाएंगे इसको। और गुप्ता जी से अनुरोध करेंगे कि बीच बीच में जब जब उनके पास समय हो, अगर बराबर दे सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो बीच बीच में कोई दिन फिक्स कर ले चमोली जी के साथ में, तो 3 दिन 2 दिन, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनका बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम में जाए। लेकिन जो ये 30-35 लोग हैं जिन्होंने बराबर भाग लिया है, करूंगा अभी कृपा करके चमोली जी एक एक का नाम लेके जी जी चलिए। महाराज जी, दो लोग जुड़ चुके हैं जी, डॉक्टर डीएन सिंह जी जुड़ चुके हैं और रोशन भोंडेकर जी भी जुड़ चुके हैं हाँ सर, सर्वप्रथम सर्वप्रथम धन्यवाद सर, कोठारी सर और गुप्ता जी, आपने इनवाइट किया। मेरा नाम रोशन भोंडेकर है और मैं भारत का ही रहवासी हूँ, बट मैं यूरोप में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। तो मेरा काम हमेशा अपने देश की आइडेंटिटी, देश के लिए सहयोग, पर्यावरण हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, या सच को सच कहने की ताकत, किस तरह से हम लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयर करना चाहिए, इस पर मैं हमेशा काम करते रहता हूँ। तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा अच्छे लोगों के साथ में जुड़े रहे, और जो चीज़ें गलत है गलत बोले, जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको अच्छा बोले, और अच्छे लोगों को आगे लेकर लाए, यही मेरा मिशन रहेगा। और मैं सपोर्ट करना चाहूंगा ऐसे लोगों को, ओपन माइंडेड लोगों को। शायद? आयुष जी भी शायद जुड़े हुए हैं। आयुष जी, आप कुछ विचार रखेंगे अपना? आयुष वर्मा जी, अवस्थी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अवस्थी, सचिन जी।